नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 के अंदर टीएसपी एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को टीएसपी जनरल श्रेणी में नियुक्ति देने की एकलवीर ने जो इसके आदेश पर जो अंतरिम रोक है वो लगा दी गई है, यानी इस खबर पर अपने पूरी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस आरएस स्टडी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। चलो दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ इसमें कहा गया है। टीएसपी एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को टीएसपी जनरल कैटेगरी में नियुक्ति देने के आदेश पर अंतरिम रोक। लीगल रिपोर्टर ये जोधपुर से ये खबर है। खबर में क्या कुछ कहा गया है कि हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस जी आर मूलचंद दानी की खंडपीठ ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 में टीएसपी एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को टीएसपी जनरल श्रेणी में नियुक्ति देने के एकल पीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अपीलार्थी निकी व अन्य की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर नूपुर भाटी ने लीव टू अपील पेश कर बताया, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 टीएसपी एरिया के लिए विज्ञापित की गई थी, जिसमें टीएसपी जनरल श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता के लिए रीट परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक अनिवार्य है और टीएसपी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता के लिए रीट परीक्षा में न्यूनतम 36% अनिवार्य है। याचिकाकर्ता कमलेश कालूसा व अन्य अभ्यर्थियों की एकलपीठ ने गत 25 मार्च को याचिका स्वीकार कर टीएसपी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थी जिनके रीट परीक्षा में न्यूनतम 36% अंक है को टीएसपी जनरल श्रेणी के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति देने के आदेश जारी किए थे, जो आरक्षण नियमों के विरुद्ध है। टीएसपी जनरल श्रेणी की पात्रता के लिए न्यूनतम 60% अंक अनिवार्य है तथा टीएसपी एसटी के अभ्यर्थी जिसके 60% से कम अंक है उन्हें टीएसपी जनरल के पदों के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने अपील याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर गत 25 मार्च को एकलपीठ द्वारा दिए गए आदेश पर आंतरिक रोक लगा दी और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। तो दोस्तों, ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट, यानी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 के अंदर जो टीएसपी एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी है उसको टीएसपी जनरल कैटेगरी के नियुक्ति देने के आदेश थे उस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। तो दोस्तों, ये थी कुछ आज की लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ बड़ी अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।